आज किस बड़ी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉपर में ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, MCX कॉपर में ट्रेडिंग। मैं ये इसमें ये बताऊंगा कि इसमें कितना पैसा लगता है, इसे किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ₹1 पे इस पर प्रॉफिट और लॉस कितना होता है। अगर आपको MCX से रिलेटेड और भी वीडियोज देखनी है, जैसे कि गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, कमोडिटी मार्केट की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने सब पे वीडियोस बनाया, आज मैं कॉपर पे बना रहा हूँ। देखिए कॉपर में क्या है, कॉपर में पहले दो तरीके के लॉट साइज होते थे, एक तो कॉपर होता था और कॉपर में नहीं होता था। लेकिन MCX ने, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले कॉपर के मिनी कॉन्ट्रैक्ट, क्रूड के, एल्युमिनियम के, मतलब लगभग सबके मिनी कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू कर दिए थे बहुत सी कॉमोडिटीज़ के। लेकिन कुछ के हालांकि री इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे कि क्रूड ऑयल का भी कर दिया है। और लेकिन इस वक्त कॉपर में एक ही लॉट आता है, जो होता है मेगा लॉट कॉपर का, मिनी नहीं आता है। वो भविष्य में दोबारा से री इंट्रोड्यूस्ड हो, वो बात अलग है, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही लॉट आता है। अगर मैं इसके लॉट की बात करूँ तो आपको मैं जून का फ्यूचर्स निकाल कर दिखाता हूँ। एक मिनट, अपडेटेड डेट नहीं है, अपडेटेड वाला निकालता हूँ। कॉपर ये रहा, ये अपडेटेड रेट है इसका। तो इसका जो एक ही लॉट साइज आता है, ये होता है कुछ इस वक्त रेट के हिसाब से है, अभी 715 के रेट के हिसाब से है, 2,02,000 रुपीस, करीब 362 के एंड में, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ 2,00,000 का मान लीजिए, ठीक है। तो 2,02,000 रुपए का इसका लॉट साइज है। आज फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में काम कर सकते हैं। इसका जो ये लॉट साइज है, ये 2,500 किलो का है। तो मतलब इसका ₹1 इज इक्वल्स टू होगा 2,500 रुपये। मतलब इसमें आपका अगर ₹1 बनता है तो आपको 2,500 रुपये का प्रॉफिट होगा, और अगर आपका इसमें ₹1 घटता है तो आपको 2,500 रुपये का लॉस होगा। इसी तरह आपके ₹2 बढ़े तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ₹1 इज इक्वल्स टू 2,500 रुपये। तो इसमें इस तरीके से होता है। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूँ तो आपको इसका मैं चार्ट दिखाता हूँ, इसका मूवमेंट कैसे रहता है। अभी देख सकते हैं ये इस वक्त काफ़ी जैसे वोलेटाइल चल रहा है और साइडवेज में चल रहा है। तो इस तरीके का इसका चार्ट है। इसके वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं और कमोडिटीज़ के मुकाबले, वैसे तो पूरे कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम कम रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी कम रहते हैं क्योंकि ये एक रिटेल निवेशक की पॉज से बाहर है। अगर रिटेल निवेशक को कमोडिटी मार्केट में शुरुआत करनी हो तो गोल्ड और सिल्वर से कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बहुत छोटे छोटे लॉट भी अवेलेबल हैं, मतलब कि गोल्ड का पेटल और सिल्वर का माइक्रो, तो हम वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो कमोडिटी होगी, एल्युमिनियम के बारे में बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।